Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. Now, in this video, we are going to start with the fifth chapter of our honeysuckle book, Class 6. And the name of the chapter is A Different Kind of School. A Different Kind of School written by E. V. Lucas. And it's abridged and simplified. Abridged ka matlab meinhe कभी भी जैसे कोई भी नॉवल होता है या कोई भी स्टोरी होती है जब हम उसकी लेंथ को कम कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट और विदाउट चेंजिंग द रियल फील ऑफ द स्टोरी उसको बोलते हैं अब्रिजड ओके सो दिस हैज बिन रिटन बाय ईवी ल्यूकस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल सो so, हमारा जो स्कूल होता है मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं वेयर यू गो यू हैव अराउंड सिक्स और सेवन लेक्चर सेवन और एट पीरियड्स होते हैं उसके बाद हम वो अटेंड करते हैं उस बीच में हमें रिसेस मिलता है एक शॉर्ट ब्रेक मिलता है और हम वापस आ जाते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे आपके पास मतलब आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं भी होती हैं और कहीं कहीं बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती भी हैं लेकिन ऐसा स्कूल जो कि आपको लाइफ की बेसिक वैल्यूज़ के बारे में बताता है जो आपको एम्पैथेटिक होना सिखाता है वो वाला स्कूल बहुत अलग ही होगा राइट सो so, अब हम ऐसे एक स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बच्चों को वो चीज़ें सिखाता है जो शायद हर स्कूल में नहीं सीख सकते हैं और नहीं सीख सकते हो लेकिन लाइफ की वो वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सो so, इस स्कूल में इस चैप्टर में हम एक ऐसे ही स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चों को लाइफ की वो वैल्यूज सिखाता है जिससे वो आगे आने वाले टाइम में उनको लाइफ के जो छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं उनकी वैल्यू पता चल जाए सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल दिस चैप्टर बट बिफोर वी रीड वॉट इज डे डू यू नो दीज वर्ड्स If you don't find out their meanings, bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. So this particular question I am going to ask you at the end of our chapter reading session. At the end of the chapter reading session, I am going to you that how school is different from And all these words, bandage, crutch. Cripple, honour, misfortune, and system, we are going to understand when as we read our chapter. So, are you ready with me to begin this amazing chapter? Because I am. Okay, let's start it. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. So, यहाँ पे जो हमारी नरेटर हैं वो बोल रही हैं कि मैंने मिस बीम के कोई स्कूल है सो so, कोई स्कूल है जिसकी जो प्रिंसिपल होंगी वो है मिस बीम और उनके स्कूल के बारे में मैंने बहुत सुना था लेकिन लास्ट वीक से पहले मुझे कभी चांस नहीं मिला कि मैं वहां पे जाऊँ और देखूँ कि इतना क्या डिफरेंट है वहां पे वेन आई अराइव देर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट ट्वेल्व तो जब मैं उस स्कूल में पहुंची तब मुझे मेरी नजर में कोई नहीं दिखा इनसाइट मतलब क्या होता है इनसाइट का मतलब होता है टू बी सीन मतलब मुझे वहां कोई नहीं दिखा लेकिन बट अ गर्ल बट अ गर्ल मतलब मुझे वैसे तो कोई नहीं दिखा सिवा एक लड़की के बट अ गर्ल ऑफ अराउंड ट्वेल्व इयर्स ज ये आपका फर्स्ट वर्ड है जो आपको पिछली साइड में पूछा गया था तो उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी बैंडेज मतलब एक पट्टी बंधी हुई थी उसकी आंखों में एंड शी वॉज बींगरफुली और शी वॉज बींग डरेक्शन दे रहा था कौन दे रहा था एक लड़का जो कि उससे ऑलमोस्ट चार साल छोटा था ओके लेड बाय मतलब वो उसे लीड कर रहा था वो उसके आगे आगे चल रहा था वो उसे बता रहा था किस तरीके से चलना है शी स्टॉप एंड इट लुक लाइक शी आज हिम हुई लड़की थी वो रुकी और ऐसा लगा जैसे उसने पूछा हो कि कोई आया है क्या जैसे कि उसने जब आप यू नो वेन यू आर नॉट एबल टू सी तो आपके जो अदर सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत बहुत ही एक्टिव होते हैं जैसे आपके कान हुए आपकी नाक हुई आप बहुत ही एक्टिव हो जाते हो ओके सो so यहाँ पे जैसे ही उस बंदी ने उसको मतलब उसको रियलाइज हुआ होगा कि हो सकता है कोई आया हो तो उसने उस लड़के से पूछा कि कोई है क्या नाउ दिस इज वॉट आर नरेटर इज अज्यूमिंग उसने अज्यूम किया शी स्टॉप एंड इट लुक लाइक शी आस्ट हिम हुई मी टू हर और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो लड़का है वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा हो उसको मेरे बारे में बता रहा हूँ कि यार एक मैम आई हैं वो ऐसी लग रही हैं उन्होंने ये पहना हुआ है उनकी इतनी हाइट है तो वो उस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहा था देन दे पैस जॉन मतलब उसके बाद वो आगे निकल गए मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड सो मिस बीम के बारे में उसने जितना भी सुना था वो वैसी ही थी मिडिल एजेड फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब मिडिल अराउंड फोर्टी फोर्टी फाइव ईयर्स की थी वो कहीं तो और वो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी बहुत ही ज्यादा काइंडली थी काइंडली मतलब बहुत फ्रेंडली थी उनके पास अथॉरिटी मतलब शी वॉज द इंचार्ज ऑफ दिस एंटायर स्कूल तो उनके पास बहुत सारा पावर था तो बहुत पावरफुल लेडी थी लेकिन एट द सेम टाइम बहुत फ्रेंडली थी और बहुत अंडरस्टैंडिंग थी हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे तो अब क्या है उनके जो बाल है अब वो सफेद होने लग गए थे यहाँ पे क्या हमें नरेटर क्या बताना चाहती है कि उनकी एज वो हमें कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दे रही है उसके फिजिकल एट्रीब्यूट के बारे में कि वो कैसी दिखती थी एंड शी हैड द काइंड ऑफ plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. और वो बहुत ज़्यादा पतली दुबली नहीं थी वो हल्की सी मोटी नहीं कहेंगे उन्हें प्लम्प का मतलब क्या होता है अब बिट फैट प्लम प्लेजेंटली फैट मतलब जो थी वो गोलू मोलू सी थी ये ना जो गोलू मोलूस जिसमें जाके अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है that इज़ लाइकली टू बी comforting टू अ होम child चाइल्ड मतलब जैसे कि वो बच्चे जो होते हैं जब आप गोलूमोलूस से होते हो तो जाते हैं आपके ऊपर जम करते हैं आपको आपके गाल बड़े भरे भरे से होते तो उन वो वैसी थी जो कि बहुत उनको देख के वो काफ़ी कम्फर्टिंग सी लग रही थी और उनको देख के ये फील आ रहा था कि मतलब उनके पास कोई भी बच्चा कितना खुश होगा उनसे पूछा अब एक तरीके से यह इंटरव्यू लेने गई है जिन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है क्योंकि वर्ड शी न्यूवर्स की उनके टीचिंग मैथड्स तो बहुत ही सिंपल हैं नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स उसने बोला हम ज्यादा नहीं पढ़ाते हम उतना ही पढ़ाते हैं जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि जैसे कि सिंपल स्पेलिंग ओके नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स चीजों को किस तरीके से करना है उसके लिए जितनी पढ़ाई की जरूरत होती है बस हम उतना ही उन्हें समझाते हैं जैसे कि सिंपल स्पेलिंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग दीज आर द थिंग्स जो हम उनको बेसिकली पढ़ाते हैं द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू डेम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स और बाकी की जो भी पढ़ाई होती है वो हम उनको रीड करते हैं प्लस उनको इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें बताते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट और जब ये लेक्चर्स चल रहे होते हैं जहाँ पे आपको टीचर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रही है प्रैक्टिकली कोई नॉलेज दे रही है उस वक्त उनको चुपचाप बैठना है और ये नहीं कि हाथ से इसको मार दें उसको मार दें इससे खेल दें उसे तोड़ रहे नहीं हाथ भी आपके स्टिल ही रहने चाहिए देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेस उसने बोला इसके अलावा कोई और लेस हम नहीं देते हैं। अगर आप आज के स्कूल में जाओगे तो एट पीरियड्स होते हैं उसमें से ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं इतनी पढ़ाई होती है इतनी पढ़ाई होती है जब आप स्कूल से वापस जाते हो तो ऐसा लगता है कपड़ा जो होता है ना उसको निचोड़ देते हैं सुखाने से पहले वैसी हालत हो जाती है द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थानेस काइंडनेस टू अदर्स एंड बींग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसने बोला मेरे जो स्कूल है ठीक है हम मिस भीम के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने क्या बताया कि जो मेरा जो स्कूल है उसका रियल एम क्या है एम मतलब गोल कि वो अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहता है तो मेरा जो गोल है वो क्या है इस स्कूल का इज नॉट सो मच टू टीच थाट उनको विचार नहीं देने उन्हें थॉट्स नहीं देने हैं लेकिन उन्हें थॉटफुलनेस सिखाना है वॉट इज थॉटफुलनेस थॉटफुलनेस का मतलब होता है जब आपको दूसरों की जरूरत समझ में आने लग जाए दैट यू आर सो मच थॉटफुल अबाउट द नीड्स ऑफ अदर्स काइंडनेस सिखाना है उनको क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत आपने पढ़ लिख लिया एकदम डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए लेकिन अगर आपके अंदर काइंडनेस नहीं है तो क्या एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो अगर आपके अंदर काइंडनेस नहीं है तो क्या वाकई आप एक अच्छे ह्यूमन बींग हो एंड बींग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिस्पॉन्सिबल मतलब जिन्हें अपनी ड्यूटीज पता है कि अगर मैं एक सिटीजन हूँ अगर मैं इंडिया का एक सिटीज़न हूँ अगर मैं इस, इस शहर में रहता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं ये हम उनको सिखाते हैं लुक आउट फॉर द लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल बोलियो उसने बोला एक बार खिड़की से झांक के देखो तो उसके बाद आई वेंट टू द दिंडो विच अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक वॉट डू यू सी मिस बीम तो उसने बोला कि एक बार जाके खिड़की से बाहर झांक के देखो तो जब वो गई खिड़की से बाहर झांकने के लिए तो उसने क्या देखा एक बहुत विच ओवरलोग्ड ओके मतलब विच ओवरलोग मतलब आप सही तरीके से नहीं देख पा रहे हो लेकिन एक बहुत बड़ा गार्डन है और पीछे एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है तो उसने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है अब वो क्या बोली आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन उसने बोला कि मुझे एक बहुत ब्यूटिफुल सा ग्राउंड दिख रहा है और मुझे बहुत सारे हैप्पी हैप्पी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं चिल्ड्रेन दिख रहे हैं इट पेंट्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट सो ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग बोलती है लेकिन मुझे इट पेंट्स मी इट पेंट्स मी का मतलब मैं बहुत तकलीफ फील कर रही हूँ ये सोच के कि ये सब जो है बहुत प्रॉपरली हेल्दी नहीं है

न सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी उसने बोला कि अभी जब मैं नीचे देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि दो और बच्चे हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंदी है दिख नहीं रहा है एंड देर इज अ गर्ल विधि एट प्ले और देखो वो एक और लड़की है बेचारी उसने क्रच क्रच मतलब जब आप सही तरीके से नहीं चल पाते हो तो आप एक बैसाखी एक लकड़ी का जो एक डंडा जैसा होता है जिसको आप अपने शोल्डर्स की हेल्प से पकड़ते हो सो दैट यू कैन वॉक ठीक है क्रच का मतलब क्या होता है अ लॉन्ग स्टिक विद अ क्रॉस पीस एट द टॉप यूज एज अ सपोर्ट अंडर द आर्म पिट बाय अ पर्सन विद एन इंजरी और डिसेबिलिटी सो आपको बैसाखी पता होगा कि जो वो इस तरीके से दिखती है कुछ आपके ये जो है इस तरीके से रहती है वो आपके आर्म पिट्स के घर पे आप रख के अपने विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स आप मूव करते हो अगर आपके पैर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसने बोला देखो अब एक और लड़की है बेचारी उसको क्रच की जरूरत पड़ रही है एंड वो दूसरे लोगों को खेलते हुए देख रही है वाइल्ड अदर्स एट प्ले एट प्ले मतलब वाइल्ड अदर्स आर प्लेइंग शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल होपलेस का मतलब क्या होता है बेचारी जिसके पास कोई होप नहीं है और क्रिपल का मतलब क्या होता है लंगड़ा या कोई ऐसा जो वॉक नहीं कर सकता तो उसने बोला मुझे लग रहा है वो बेचारी कितनी मतलब वो खेलना चाहती है लेकिन देखो खेल भी नहीं सकती मिस बीम लाफ्ड मिस बीम हंसने लग गई ओ नो शी इज नॉट लेम दिस इज ओनली लेम डे उन्होंने क्या कहा अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कि वो चल नहीं सकती वो लेम नहीं है लेम का मतलब लेम का मतलब जो चल नहीं सकता सही तरीके से जिसके पैर में कोई डिसेबिलिटी है उसने बोला नहीं nah, nah, नहीं वो चल सकती है आज सिर्फ उसका लेम डे है लेम डे अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर इट इज़ ओनली दे ब्लाइंड डे और वो जो बाकी आपको लग रहा है कि वो लोग ब्लाइंड है वो ब्लाइंड नहीं है आज उनका ब्लाइंड डे है आई मस्ट है अगेन तो जो हमारी नरेटर थी जैसे उसने बताया नहीं नहीं वो लोग ब्लाइंड नहीं आज तो उनका ब्लाइंड डे है तो वो नरेटर बहुत सरप्राइज हो गई तो उसका सरप्राइज उसका फेस देख के मिस भीम फिर से हंसने लग गई फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सिस्टम उसने बोला हमारे स्कूल का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम देते हैं टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चुन पता है हमारे पास सब कुछ है हमारे पास पेरेंट्स हैं हमारे पास एक अच्छा घर है हमारे पास खाने के लिए है लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उतने फॉर्चुनेट नहीं है राइट लेकिन हम क्या होता है मुझे ये नहीं खाना अरे मुझे ये नहीं करना हम खाना छोड़ देते हैं हम टिफिन जो है स्कूल तक लेके जाते हैं वापस आ जाते हैं समोसे वमोसे खा लेते हैं उसको वैसे ही लेके आ जाते हैं हमने कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने दूध को सिंक में डाल दिया होगा लेकिन ऐसे बच्चों के बारे में सोचा है जिन्हें ये मिलता ही नहीं है जिन्होंने दूध सोचा ही नहीं क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है सो हम कितने फॉर्चुनेट हैं और हम कितने लकी हैं लेकिन ये हम जानते ही नहीं हैं हमारे पास हम कंप्लेन करते रहते हैं मेरे पास प्ले स्टेशन नहीं है मेरे पास ये वाला गेम नहीं है मेरे पास हम आउट ऑफ स्टेशन क्यों नहीं जा रहे हैं हम अब्रॉड क्यों नहीं जा रहे हैं हम कंप्लेन कर सकते हैं बट हैव यू एवर रियलाइज दैट हमारे पास हाथ हैं हमारे पास आंखें हैं हमारे कान सही से काम कर रहे हैं हमारे पैर सही से काम कर रहे हैं तो हम कितने फॉर्चुनेट हैं तो इस स्कूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन दिया जाता है उन्हें यह बताया जाता है कि भाई तुम अप्रिशिएट करो मतलब यू शुड बी थैंकफुल एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास सारी चीजें हैं एंड दे शुड ऑल्सो भी एबल टू अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून और उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि जो लोग उतने लकी नहीं है उनका पेन कैसा होता है वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू तो हम उन्हें वो मिसफॉर्च्यून की भी फीलिंग दिलाते हैं ताकि आप जैसे अगर अगर मैं हूँ और मैंने कभी किसी मैं मैं तो मेरे पास आंखें हैं मैं देख सकती हूँ तो क्या मैं किसी ब्लाइंड इंसान का दर्द प्रॉपरली समझ पाऊंगी शायद उतने हद तक नहीं लेकिन अगर मैं मेरे साथ वो चीज बीते तो हां मैं तब समझ पाऊंगी कि कितना मुश्किल होता है राइट ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे वन लेम डे वन डेफ डे वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे तो उसने क्या बताया टू मेक अ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वॉट इज मिस फोर्च्यून एंड टू अप्रिशिएट वॉट दे ऑलरेडी हैव मतलब जो उनके पास है उसकी ग्रेटफुल उसके उसके लिए थैंकफुल होना और जो लोग ऐसे मिसफॉर्च्यून से गुजर रहे हैं उनका पेन समझने के लिए हमारे हर टर्म में हर बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे होता है जिसमें वो अंधे हो जाते हैं एक लेम डे होता है जिसमें उनको प्रॉपरली चलते नहीं होता एक डेफ डे होता है जिसमें वो सुन नहीं सकते एक इंजर्ड डे होता है जिसमें उन्हें किसी चीज़ से चोट आई हुई हो और एक डम्ब डे होता है जिसमें वो बोल नहीं सकते ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्यूटली एंड दे आर ऑन देअर ऑनर नॉट टू पीप मतलब जब ब्लाइड डे होता है ब्लाइंड डे होता है तब उनकी आंखों पर जोर से पट्टी बांध दी जाती है और उसके बाद उनके ऊपर उतना भरोसा किया जाता है दे वुड नॉट पीप मतलब वो चोरी से देखेंगे नहीं द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेट ब्लाइंड और ये जो बैंडेज होती है ये रात भर लगी रहती है ताकि जब आप सुबह उठो तब आपको कुछ नहीं दिखे क्योंकि आप सुबह उठे आपने सब देख लिया और फिर जब आपकी आंखों में बैंडेज बंधेगी तो आप वो वाली फीलिंग के साथ नहीं समझ पाओगे इसलिए रात भर उनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि अगले दिन जब वो सुबह उठे तब दे वु वेकअप एज अ ब्लाइंड पर्सन दिस मीन्स डेट दे नीड हेल्प विद एवरी उसका मतलब उन्हें वॉशरूम जाना है उन्हें हाथ धोना है उन्हें ब्रश करना है उन्हें हर चीज के लिए मदद चाहिए रहेगी अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट बाकी के जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए उनको असाइन किया जाता है कि तुम्हें इनकी हेल्प करना है तुम्हें इन्हें लीड करना है मतलब तुम्हें इन्हें बताना है कि इधर मत जाओ या इधर जाओ उनको हेल्प करना है दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स और इससे इन्हें इतना कुछ सीखने को मिलता है सिर्फ वो नहीं जिसका ब्लाइंड डे है बट इवन वो जो उसको हेल्प कर रहा है दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है

और ये इट्स अ काइंड ऑफ गेम फॉर देम लेकिन जब तक आपका वो दिन खत्म होता है जैसे आपका लेम डे है या ब्लाइंड डे है या हॉट डे है जब तक वो डे खत्म होता है तो इवन द मोस्ट थैंकलेस चाइल्ड जिसको लाइफ में कुछ कोई मतलब ही नहीं है जो कि बहुत ही मे बी उसका एटीट्यूड ऐसा है कि उसको तो सब मिला हुआ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इवन वैसा जो बच्चा होता है उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं वो थाटफुल होने लग जाता है द ब्लाइंड डे इज ऑफकोर्स

तो आपके उनके मुंह पे तो कोई पट्टी बांध नहीं सकते तो उनको उनका विल पावर एक्सरसाइज करना पड़ता है यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है प्रैक्टिस करना पड़ता है विल पावर का मतलब क्या होता है आपको कोई चीज के लिए कंट्रोल करना कि नहीं मतलब नहीं करना है मतलब नहीं बोलना है हो सकता है बच्चे आपको हंसाएंगे हो सकता है कोई कोई ने आपको बहुत जोर से मार दिया लेकिन आप आवाज़ नहीं निकाल सकते ओके सो यू हैव टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर यूर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रेन अबाउट इटो गार्डन चलते हैं और गार्डन में आओ देखो खुद देखो कि बच्चे कैसा फील करते हैं क्या किया उसको लेके गई एक जिसने जिसका आज आ, ब्लाइंड डे था उसके पास लेके गई हेयर इज अंटलमैन कम टू टॉक टू यू से Uh, this, this यहाँ पे एक जेंटलमैन है जो आपसे मिलने के लिए आए हैं चलो बात करो उनसे एंड ये बोल के मिस भीम चले गई वहां से डोंट यू एवर पीप आई आस्क दर्ल्सर ने क्या बोला तुम तो कभी चीटिंग नहीं करती डोंट यू एवर पीप पीप का मतलब क्या होता है छुपके से देख लेना सो डोन्ट है इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड नो कभी नहीं वो तो चीटिंग होगी बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ऑफुल होता है ऑफुल का मतलब इतना बैड होता, होता है इतना डिस्गस्टिंग होता है यू कॉन्ट सी अ थिंग यू फील यूर गोइंग टू बी हिट बाई सम एवरी मोमेंट तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होता है आंखें बंद करके अपने घर में चलने की कोशिश करना तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें हर बार लगेगा तुम इससे टकराने वाले हो या उससे टकराने वाले हो इट्स रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन नहीं वाले हो आज योर हेल्पर्स काइंडे नरेटर ने क्या पूछा कि तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं जो तुम्हें जैसे यू you नो know, जो तुम्हें हेल्प कर रहे हैं लीड करने में यहाँ मत जाओ या वहां जाओ वो तुम्हारे से काइंड होते हैं वो लोग उतने उनके अंदर उतनी दया होती है Fairly, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी वेन इट इज माई टन उन्होंने बोला यार दे आर ओके लेकिन ये लोग उतने केयरफुल नहीं है अगर मैं अब नेक्स्ट टाइम किसी की हेल्प करूंगी तो मैं ज्यादा केयरफुल हूँगी दो दैट हैलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स उसने क्या बताया जो लोग का ऑलरेडी ब्लाइंडे हो चुका है वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं वो बेस्ट हेल्पर्स क्यों होते हैं क्योंकि वो उस पेन के थ्रू गुजर चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है हाउ इट इज टू बी अ ब्लाइंड एंड दैट इज वाई दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द पेन मच बेटर देन दोज हु दैन हैड देयर ब्लाइंड डे सो इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी आई विश यू वुड ट्राई शेड आई लीड यू समवेयर आई आज उसने बोला कि इट्स परफेक्टली गैसली गैसली मतलब इतना डरावना होता है कि आप नहीं देख सकते हो आप अंधे हो इट्स वेरी 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 गैसली आई विश यू वुड ट्राई उसने बोला तुम भी ट्राई करना तो so, उसके बाद नरिएटर ने क्या बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ मतलब मैं तुम्हें कहीं शेल आई लीड यू एनी वे ओ येट्स गो फॉर द लिटिल वॉक उसने बोला हाँ हाँ चलो चलो लेट्स गो फॉर द लिटिल वॉक चलो अपन थोड़ा सा घूम के आते हैं ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स तो उसने क्या बोला लेकिन तुम्हें मुझे सब बताना पड़ेगा कि आस पास क्या हो रहा है आई शेल बी सो ग्लैड वेन टूडेज ओवर मुझे इतना अच्छा लगेगा ना जब आज का दिन खत्म हो जाएगा द अदर बैड डेज कैंट बी हाफ एज बैड एज दिस अदर बैड डेज मतलब मे बी अ लेम डे और अ डेफ डे और अ डम डे वो इतने बुरे तो नहीं हो सकते इसके आधे भी बुरे नहीं हो सकते हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन अब वो ये लोग बच्चे हैं तो वो क्या बोलती है जब हमारा क्रिपल डे होता है लेम डे जब होता है तो वो क्या करते हैं एक पैर को बांध देते हैं ठीक है सो आपको अब एक ही पैर पे एक क्रश दे दी बैसाखी दे दी अब आपको अपने एक ही पैर के थ्रू हॉप कर करके चलना है तो वॉट इज शी उसमें बड़ा मजा आता है वो तो गेम जैसा लगता है बिट okay. मोर more troublesome. लेकिन जैसे मान लो हर्ट डे है तो आपका मान लो कि आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो आपका जब हाथ अप होता है तो बोलती है तो प्रॉब्लम होती है ट्रबल ट्रबल सम सम होता 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 है मतलब problematic होता है क्यों? Problematic होता है मतलब प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लमेटिक क्यों क्योंकि यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प आप सामने वाले की हेल्प के बिना खा ही नहीं सकते एंड थिंक लाइक दैट बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है तो सोचो आपका राइट right हैंड पूरा जो है वो लॉक हो गया अब आप कैसे काम करोगे लिखोगे कैसे खाओगे कैसे बातें कैसे कर बातें तो कर लोगे लेकिन बाकी के काम कैसे करोगे सो यू आर अगेन डिपेंडेंट ऑन समन आई डोंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर उसने बोला मुझे लगता है कि सुनाई नहीं दे रहा यह सबसे अच्छा है मतलब कोई कुछ बोलता रहा और आपको सुनाई ही नहीं दे रहा एटलीस्ट नॉट मच मुझे लगता है वो इतना मुश्किल नहीं होगा बट बींग ब्लाइंडिंग लेकिन ये अंधा रहना इज वेरी फ्राइटनिंग मतलब बहुत डरावनी बात है ये तो माई हेट एक टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग मेरा पूरे टाइम सर दुखता है सिर्फ ये जाऊंगी या तब गिर जाऊंगी या मैं किसी चीज से टकरा जाऊंगी वे क्या बोलती है अच्छा बताओ कि अभी हम कहां पे हैं तो हमारी नरेटर क्या बताती है इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस उसने बोला अभी हम प्ले ग्राउंड में हैं अभी हम एक घर की तरफ जा रहे हैं मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल उसने बोला मिस बीम जो है वो कोई बहुत लंबी सी लड़की है उसके साथ

उसने बोला बहुत ही लाइट है बोले यस यस ये तो पक्का मिली है She's the head girl. उसने बोला ये हमारे स्कूल की हेड गर्ल है नाउ हमारे नरेटर ने उसको नेक्स्ट चीज क्या बताई देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस एक ओल्ड मैन है जो रोज के जो प्लांट्स हैं उनको टाइप कर रहा है ओ यस दैट्स पीटर ही इज द गार्डनर वो पीटर है वो हमारे इधर का माली है He has his hundreds of years old. उसने क्या बोला अरे वो तो बहुत ही बूढ़ा है वो तो hundreds of years old है And here comes a girl with curly red hair. अब उसने narrator ने क्या बताया कि अब यहाँ पे एक लड़की आ रही है जिसके curly red hair है She is on crutches. और वो crutches पे मतलब उसका lame day है That's Anita. She said. उसने क्या बोला अरे उनका नाम तो उसका नाम तो Anita है And so we walked on. Gradually, I discovered that I was टेन टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थाट आई कुड भी फिर हम चलने लग गए और धीरे धीरे मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरे अंदर जितने थाट्स थे मैं जितना दूसरों को समझ सकता था उनके पेंस को समझ सकता था जितना मैं थाटफुल था अब मैं उससे टेन टाइम्स ज़्यादा थाटफुल हूँ

When I finally had to leave, जब उसको वापस घर जाना था आई टोल्ड मिस आई वॉज वेरी सॉरी टू गो उसने क्या बोला कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाते हुए मेरा मन है कि मैं यहाँ और रुक जाऊं आह शीर प्लाइट मिस भीम ने क्या कहा देन देर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो है सिस्टम का मतलब यहाँ पे उनका जो पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसने बोला कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें मतलब कोई तो बात है दैट यू आर हियर एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू लीव सो गाइज दैट सेट एंड वी आर डन विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर अ वेरी beautiful चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर was अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल written ई वी e. V Lucas and uh, i think and i understand the importance of learning kindness learning thoughtfulness and learning to understand the pain of others which is empathy because that is what makes you a proper human being right okay? सो ऑन दिस नोड एंड दिस चैप्टर आल सी यू सून इन द नेक्स वीडियो वेर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड की यह चैप्टर कितना समझ में आया है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदी आर टी सोल्यूशन इन दैट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड एन एल सी यू वेरी सून बाय बाय